हम में से कुछ तोते जो रहते हैं इन विशाल कांटेदार पेड़ों पर, जहां हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, तो हम में से कुछ तोते जो रहते हैं समुद्र तट के किनारे बसे विशाल वर्षावनों के जंगलों में। हम सभी तोतों का व्यवहार और खान पान अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। हम में से कुछ तोतों की लाइफ काफी संघर्ष भरी होती है, तो कुछ तोतों को बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाता है। हम सभी तोते जब नीले आसमान में हवा के साथ उड़ते हैं, तो हम काफी अधिक खूबसूरत लगते हैं। लेकिन कुछ के लिए हम बस खिलौना बन जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के दिलों में होता है हम पक्षियों के प्रति बहुत सारा प्यार। आज हम सभी खूबसूरत जंगली तोते एक लंबी उड़ान भरकर अपने जंगली जीवन से आपको रूबरू करवाएंगे। ये है रोजी फेस लव बर्ड, जो अमेरिका के सबसे छोटे और खूबसूरत तोते हैं। इन तोतों का खूबसूरत लाल गुलाबी चेहरा इन्हें और अधिक आकर्षक बनाता है। ये क्यूट से दिखने वाले तोते जो रहते हैं अमेरिका के छठवें सबसे बड़े राज्य एरिजोन में। एरिजोन अमेरिका का एकमात्र सबसे सूखा राज्य है। 295,000 किलोमीटर में फैला ये राज्य अपने एक अनोखे रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है सोनोरन डेजर्ट। अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के बावजूद भी यहाँ जानवरों और पक्षियों की प्रजातियाँ निवास करती हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे खास है वो है इस रेगिस्तान के सबसे बड़े कांटेदार कैक्टस के पेड़ों का विस्तार। कांटेदार कैक्टस के पेड़, लेकिन ये पेड़ इस रेगिस्तान में ही नहीं बल्कि एरिजोन के सबसे बड़े शहर फॉनिक्स सिटी में भी पाए जाते हैं। इन कैक्टस के पेड़ों का विस्तार फॉनिक्स सिटी और सोनोरन रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एरिजोन के अधिकतर भागों में फैले हुए हैं। कांटेदार होने के बावजूद भी कैक्टस के पेड़ कुछ पक्षियों के लिए खास हैं, जहां फॉनिक्स में हर साल वुडपिकर द्वारा इन सगुआरो कैक्टस में अपना घर बनाते हैं। ये पक्षी अपनी चोंच से इन पेड़ों की आंतरिक परत को तोड़ते हुए एक बड़ा होल बनाते हैं, जहां ये आसानी से अपने चूजों को जन्म देते हैं। लेकिन रोजी फेस्ड लव बर्ड इस गर्म इलाके वाली भूमि में कहां पर अपने चूजों को जन्म देते हैं? फॉनिक्स एरिया में यहां इन तोतों के लिए ट्री होल्स ढूंढना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि इस रेगिस्तान में डेजर्ट फ्रेन ट्री के अलावा कुछ गिने चुने पेड़ों की प्रजातियां ही पाई जाती हैं, और इन पेड़ों पर रोजी फेस्ड लव बर्ड के लिए घोंसला बनाना एक असंभव कार्य है। लेकिन इन क्यूट पैरट्स को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एरिया में कैक्टस के पेड़ों पर बने कई होल्स अभी खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें वुडपीकर द्वारा छोड़ दिया गया है। रोजी फेस्ड लव बर्ड्स कैक्टस के पेड़ों पर खाली पड़े होल्स को अपने घोंसले के लिए चुनते हैं। ये पैरट अपने लिए अच्छा सा घोंसला चुनते समय इनके बीच घोंसले के लिए छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। घोंसले का चुनाव मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है, और घोंसले का फाइनल डिसीजन होते ही फीमेल अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है। कैक्टस के अंदर यह मादा एक जगह चुपचाप बैठकर अंडे देने की तैयारी कर रही है, जहां इस फीमेल के द्वारा पहले दिन 2 अंडे दिए जाते हैं, और देखते ही देखते अंडों की संख्या 4 हो जाती है। वहीं घोंसले से बाहर कुछ ही दूरी पर सेगुआरो कैक्टस के ऊपर एक बड़े उल्लू की प्रजाति ने चूजों को जन्म दिया है, जो अब कुछ सप्ताह के भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ
छोटे उल्लू की प्रजाति भी इन कैक्टस के बेकार पड़े होल्स को चुनकर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ के ऊपर बैठा ये क्यूट रोजी फेस्ड मेल अपने बच्चों का अंडे से निकलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ कई अंडे चोर शिकारी भी हैं, जिनके ऊपर कड़ी नजर रखना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। घोंसले के अंदर बैठी ये फीमेल अभी फिलहाल सुरक्षित है। इस मादा को अंडे सेकने में 3 दिन पूरे हो चुके हैं और एक छोटा सा चूजा अंडे से बाहर निकल आया है और इस खुशी में मादा घोंसले से बाहर आकर नर को इशारा करती है, तो नर तुरंत घोंसले में आकर फीमेल को सबसे पहले खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद नर घोंसले से उड़कर फिर से खाने की तलाश में निकल जाता है। घोंसले के अंदर सबसे पहले जन्माई चूजा अपनी माँ के द्वारा पचे हुए खाने का पहला स्वाद लेता है, लेकिन कुछ अंडों से बच्चे निकलना अभी बाकी है, इसीलिए माँ फिर से बाकी बचे अंडों के ऊपर बैठकर उन्हें सेकने की कोशिश करती है। अंडों से निकलने के बाद चूजे लगभग 43 दिन तक अपने माता पिता की देखरेख में ही रहते हैं और 43 दिन के होते ही बच्चे इस घोंसले को छोड़ देंगे। सोनोरन रेगिस्तान में एक ऐसा जीव भी रहता है जो रेगिस्तान की इस भूमि पर रहने वाला सबसे अधिक शरारती और चालाक होता है। ये जीव जमीन के नीचे दुबक कर बैठी रहती है, लेकिन सिर्फ रात में, दिन के समय तो ये पूरा टाइम बाहरी दुनिया में ही बिताती है। ये कभी पेड़ों की टहनियों पर लटकते हुए दिखाई देती है, तो कभी धूप की किरणों से बचते हुए एक छायादार जगह पर बैठे हुए दिखाई देती है। ये है इस रेगिस्तान की ग्राउंड स्क्वायरल, जो दिन की गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरह के आइडियाज लगाती रहती है। इस गिलहरी के दिमाग में कुछ चल रहा है। ये मिट्टी की सतह को खोद रही है और खोदी हुई मिट्टी की सतह के नीचे से होते हुए अपने शरीर को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। इस चालाक गिलहरी का दिमाग जितना ज्यादा तेज होता है, इनके बच्चे भी उतने ही अधिक शरारती होते हैं। ये सभी बच्चे एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और इधर उधर देखकर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इन्हें देख तो नहीं रहा। शायद अभी तो इन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन इनको यह नहीं पता कि कैमरे की नजर उनकी सभी हरकतों को रिकॉर्ड कर रही है। खैर, इन बच्चों को तो अभी कैमरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें लगी है बहुत तेज भूख और जब पेट खाली होता है तो फिर एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है और वो है स्वादिष्ट खाना। इन गिलहरियों के लिए स्वादिष्ट खाना सिर्फ पेड़ पौधों की पत्तियाँ या फिर फूल ही हो सकते हैं। कुछ बच्चे पेड़ों के नीचे गिरे हुए फूलों को खा जाते हैं, तो कुछ बच्चे एलोवेरा की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे माँ की नजरों के सामने ही रहते हैं। अगर कोई बच्चा माँ के सामने अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है या अपनी माँ का कहना नहीं मानता, तब माँ अपने ही अंदाज में गुस्सा दिखाकर बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाती है। हालांकि कैक्टस की कुछ छोटी प्रजाति के पौधे भी इन गिलहरियों द्वारा खाए जाते हैं और अगर आसपास डेजर्ट ट्री मिल जाए तो उनके पत्तों को खाकर भी पेट भरा जा सकता है। लेकिन सभी जीव यहाँ कैक्टस के पेड़ों पर निर्भर नहीं होते हैं। सोनोरन रेगिस्तान में मौसम भले ही यहाँ तेज धूप वाला होता है, लेकिन इन रेगिस्तान में बसंत का मौसम भी अपने कई रंगों के साथ दस्तक देता है। रेगिस्तान कहलाने के बावजूद भी यहाँ की मिट्टी कई फूलों की कलियों को खिलने का एक मौका देती है।
और ये समय है फ्लावर ब्लूमिंग का। अप्रैल और मार्च के महीने में सभी पेड़ पौधों को अपने फूलों को बनाने का एक मौका मिलता है। और फूलों का फायदा कैसे उठाया जाए यहाँ के जीव भली भांति जानते हैं। छोटे कीट इन फूलों की दावत उड़ाने के लिए आ पहुँचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वुड पेकर भी इन सेगुआरो कैक्टस के फ्लावर के मीठे रस को पीने का आनंद लेते हैं। लेकिन रोजी फेस्ड लव बर्ड के लिए फूलों का ये मौसम कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। लेकिन इन तोतों की चोंच का शेप ऐसा होता है कि ये तोते इन फूलों के अंदर मीठे रस को निकालने में असमर्थ होते हैं। फूलों का रस ना सही, लेकिन फूलों के बीजों को तो ये आसानी से खा सकते हैं। और इन तोतों को सबसे ज्यादा पसंद होता है सनफ्लावर के बीज। फोनिक्स सिटी में कई लोगों ने अपने गार्डन में सनफ्लावर के प्लांट्स को इन तोतों के लिए ही लगा रखा है। ये तोते इन फूलों के बीजों को बड़े मजे से खाते हैं। प्लांट्स में फ्लावर इतने ज्यादा होते हैं कि इन तोतों को ये समझ ही नहीं आता कि कौन से फ्लावर के बीजों को खाया जाए। लेकिन फॉरेस्ट सिटी में सभी लोग गार्डनर्स नहीं होते हैं, और जहाँ सनफ्लावर के गार्डन नहीं होंगे तो वहाँ इन रोजी फेस्ड लव बर्ड्स के लिए फूलों के बीज भी उपलब्ध नहीं होते हैं। गार्डन में फूलों के बीज ना सही, लेकिन हैंगिंग कंटेनर से बीजों को खाया जा सकता है। सिटी में रहने वाले लोग इन तोतों से इतना प्यार करते हैं कि यहाँ के लोग सीड्स और ड्राई फ्रूट्स को खरीद कर ले आते हैं और हैंगिंग कंटेनर्स में भरकर कई अपने घरों के बाहर इन हैंगिंग फीडर को लटका देते हैं, तो कई अपने गार्डन में लगा देते हैं। फॉरेक्स सिटी में इन रोजी फेस्ड लव बर्ड की लाइफ काफी मस्त और मजे में होती है, और इन तोतों के जरिए दूसरे पक्षियों को भी अपने पेट भरने का मौका मिल जाता है। एरिजोन में जैसे जैसे दिन और महीने गुजरने लगते हैं, उतनी ही तेज गति के साथ मौसम भी बदलता जाता है। मई का महीना गुजरते ही भीषण गर्मी की शुरुआत होती है, और जून के महीने का आगमन इस रेगिस्तान को और भी अधिक सूखा और बंजर बना देता है। दूर दूर तक दिखाई देने वाली वनस्पतियाँ सूख कर मुरझा जाती हैं, और वहीं सेगुआरो कैक्टस का पौधा इस गर्मी के कारण 20 से 25 सेंटीमीटर तक सिकुड़ जाता है, क्योंकि पौधे के अंदर जितना भी पानी मौजूद था वो अब सब सूख चुका होता है। तपती गर्मी के इस मौसम से सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले जीव भी इस परेशानी का सामना करते हैं। तापमान लगभग 100 डिग्री फारेनहाइट हो चुका है, जिसके कारण बचे कुचे पानी के स्रोत भी अब सूख चुके हैं। इस गर्मी से बचने के लिए जानवर नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोजी फेस्ड लव बर्ड आखिर कैसे इस मौसम में खुद को जीवित रख पाएंगे? भले ही मौसम का तापमान यहाँ 100 डिग्री के पार क्यों ना हो, लेकिन इन क्यूट पैरट्स को इस मौसम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जहाँ सिटी है वहाँ सब कुछ है। गर्मी के कारण अगर प्यास भी लगती है तो इन तोतों को दूर दूर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ के लोग इन तोतों के लिए किसी बर्तन में पानी भरकर रख देते हैं। यहाँ घर की बालकनी हो या गार्डन, हर उस जगह पर पानी की सुविधा होती है जहाँ ये तोते मौजूद होते हैं। जरा यहाँ देखिए, ये सभी तोते यहाँ पानी पीने तो आए हैं, लेकिन इनके साथ दूसरे जंगली जीव भी इस फ्री सेवा का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ सभी जीव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एरिजोन में तापमान इतना बढ़ चुका है कि ये भूमि भी अब थोड़ी राहत चाहने की इच्छा रखती है।
अगस्त का महीना जैसे ही अपने अंतिम दिनों में होता है तो फिर आसमान में कई बादलों के समूह तेज गति में भागते हुए दिखाई देते हैं और फिर बिजली की गड़गड़ाहट शुरू होती है। साथ ही शुरू होती है रिमझिम करती बारिश। बारिश के होते ही रोजी फेस्ड लव बर्ड्स खुशी से झूम उठते हैं। इस बारिश से मिलता है पानी पीने का एक सुनहरा मौका। कुछ लव बर्ड्स बारिश के इस पानी से नहाने की कोशिश करते हैं। बारिश का जितना ज्यादा फायदा उठाया जाए उतना ही कम है। एरिज़ोन में मॉनसून सीजन नहीं होता है। यहाँ बारिश होती है तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए। बरसात होने की वजह से मौसम भी कुछ दिनों के लिए ठंडा हो जाता है और एरिज़ोना में कुछ समय के लिए हरियाली भी आ जाती है। लेकिन उत्तरी अमेरिका में कुछ तोतों को बिना किसी इंसानी मदद के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और अगर मदद मिलती भी है तो वो भी बहुत थोड़ी मिलती है। ये है ओलिव थ्रॉटेड पैरोकेट जो नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इन तोतों का विस्तार सूखे जंगलों से लेकर वर्षा वनों के जंगलों तक होता है। ओलिव थ्रॉटेड पैरोकेट की कुछ अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो थोड़ा बहुत इनकी जैसी ही दिखाई देती है। वर्षा वन के इन जंगलों में इन तोतों के पास होता है भरपूर खाना और साथ में भरपूर पानी। लेकिन तब जब मौसम फलों और बरसात वाला हो। ये है होंडुरास और कोस्टा रिका के हरे भरे वर्षा वनों के जंगल, जहाँ ये तोते मजे से फलों को खाने में व्यस्त हैं। इन ओलिव थ्रॉटेड पैरोकेट की खास पहचान होती है इनकी आंखों में दिखाई देने वाला व्हाइट कलर का सर्कल। लेकिन सभी तोतों की आंखों की यह पहचान डिसाइड नहीं करती है कि ये सभी यंग हैं या ओल्ड। ऐसा माना जाता है कि जब ओलिव थ्रॉटेड पैरोकेट अपनी किशोरावस्था में होते हैं तो उनकी आंखों में येलो कलर का सर्कल बन जाता है। ओलिव थ्रॉटेड पैरोकेट का जीवन वर्षा वन के जंगलों में आसानी से बीत जाता है। जब फलों के पकने का सीजन नजदीक आता है तो ये तोते अपने झुंड से कुछ अलग होकर जोड़े में रहना शुरू करते हैं और जोड़े में रहकर एक दूसरे के साथ अपने प्यार को साझा करते हैं। इन जंगलों में फल तो हैं, लेकिन तब जब तक मौसम उनके ऊपर मेहरबान है। जैसे जैसे फ्रूट सीजन खत्म होने को होता है तो ये फल भी धीरे धीरे मुलायम ना होकर कठोर हो जाते हैं, जिस वजह से इन तोतों को कुछ समय के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन कुछ ओलिव थ्रॉटेड पैरोकेट अमेरिका के सूखे भाग पर भी रहते हैं। इन तोतों को यहाँ मजबूरी में कैक्टस की पत्तियों को खाकर काम चलाना पड़ता है और अगर कैक्टस फ्लावर मिल जाए तो फूलों को खाने का मौका भी नहीं छोड़ा जाता है। कैक्टस के ऊपर बना ये ताज, जिसके ऊपर मीठे रस वाले फूल कई हमिंग बर्ड्स की प्रजातियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन फूलों के ऊपर भरपूर मात्रा में मीठा रस मौजूद होता है, जिसके लिए सभी हमिंग बर्ड फूलों के मीठे रस का स्वाद चखने के लिए फूलों के चारों ओर मंडराती रहती हैं। मैक्सिको में जब पानी की कमी होती है तो इन तोतों के लिए पानी पीने का एक छोटा सा तालाब बन जाता है, ताकि ये तोते इस गर्मी में जीवित रह सकें। मध्य अमेरिका से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर अफ्रीका महाद्वीप में लव बर्ड्स की कुछ अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दिखने में होती हैं काफी क्यूट। ये छोटे तोते भी अफ्रीका के उन भागों पर पाए जाते हैं जहां मौसम गर्मी वाला होता है। ये है तंजानिया, जो अपने भीतर ऐसे दृश्यों को समेटे हुए हैं जिसको देखने के बाद अनुमान लगाना आश्चर्य रूप से भव्य अनुभव हो सकता है।
अफ्रीका का यह भूभाग उन जंगली जानवरों के लिए जाना जाता है जो यहाँ हर साल बादलों के पीछे भागते हुए माइग्रेट करते हैं। यहाँ के मैदान कभी जंगली जानवरों की कदम ताल से गूंज उठते हैं, तो कभी यहाँ मैदान खाली और बेजान दिखाई देता है। लेकिन तंजानिया हमेशा से ही लोगों की नजरों में एक आकर्षण केंद्र बन रहा है। यहाँ मौसम भले ही गर्मी वाला होता है, लेकिन हरियाली भी बरसात के साथ यहाँ पनपती रहती है। पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में पाया जाता है यह खूबसूरत छोटा सा तोता, जिसका नाम है फिशर लव बर्ड। ये तोते कभी पेड़ों के ऊपर एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी पानी में मस्ती करते हुए। इनकी आंखों में दिखाई देने वाला व्हाइट सर्कल इन्हें फिशर लव बर्ड्स की पहचान देता है। व्हाइट सर्कल वाले ये क्यूट तोते अलग अलग रंगों में भी देखे जा सकते हैं, और जब ये ग्रुप में होते हैं तो ये काफी ज्यादा शोर करते हैं। इन तोतों को भी बहुत सारा प्यार मिलता है। अफ्रीका में रहने वाले लोग इन तोतों के लिए खाने को एक बर्तन में रखकर इन तोतों को खिलाते हैं। लेकिन जरा देखिए, ये सभी तोते कितने प्यारे लग रहे हैं। मन कर रहा है कि इन तोतों को ऐसे ही देखते रहो। पूर्वी अफ्रीका से कुछ ही दूरी पर फिशर लव बर्ड के एक खास पड़ोसी भी रहते हैं, जो तंजानिया से 3,546 किलोमीटर दूर नामीबिया में रहते हैं। ये है अफ्रीकन रोजी फेस्ड लव बर्ड, जो जमीन पर पड़े साइरिंगा बेरीज को खाने का मजा ले रहे हैं। नामीबिया में इन तोतों की आबादी काफी अच्छी है, और ये तोते नामीबिया के उस एरिया में रहते हैं जहाँ खाने की कोई कमी नहीं होती। लेकिन इन तोतों को सबसे ज्यादा पसंद है कैलिफोर्निया पेपर ट्री के फ्रूट्स। ये पेड़ सन लविंग होने के कारण अफ्रीका में आसानी से पनप जाते हैं। इन पेड़ों पर लगे बेरीज इन तोतों के द्वारा खाए जाते हैं। नामीबिया में पाए जाने वाले तोते अफ्रीका के मूल निवासी हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिम भाग एरिज़ोना में पाए जाने वाले ये तोते यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तोते यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, तो फिर ये तोते आखिर यहाँ आए कैसे? दरअसल अफ्रीका में रोजी फेस्ड लव बर्ड्स को बेचने का कारोबार उस समय काफी ज्यादा किया जाता था। इन तोतों को पकड़ कर बेचा जाता था। सन 1980 के दशक में फोनिक्स सिटी में रहने वाले लोग भी इन तोतों को खरीद कर यहाँ ले आए थे, जिनमें से कुछ पिंजरे के अंदर कैद रहते थे, तो कुछ तोते लोगों के साथ उनके रहने वाले कमरे में रहते थे। लेकिन फोनिक्स सिटी में कई लोग ऐसे भी थे जो इन तोतों को एरिज़ोना में स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखना चाहते थे। इसीलिए यहाँ के लोगों ने इन तोतों को पिंजरों से बाहर निकालकर फोनिक्स सिटी में छोड़ दिया था, जिसके कारण आज इन तोतों की आबादी इस रेगिस्तान में 3,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जहाँ कुछ जीव किसी नई जगह पर आते ही खुद को ढालने में असमर्थ होते हैं, तो वहीं इन तोतों ने ये साबित करके दिखा दिया कि ये तोते इस जगह पर काफी अच्छे तरीके से फल फूल रहे हैं। दरअसल ये तोते ऐसी जगह को पसंद करते हैं जहाँ गर्मी काफी ज्यादा होती है, और एरिज़ोना का ये भूभाग रोजी फेस्ड लव बर्ड के लिए जीवित रहने का एक परफेक्ट प्लेस है। एरिज़ोना अमेरिका का छठा सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ के अलग अलग भाग पर मौसम अलग अलग होता है। जहाँ सोनोरन रेगिस्तान एरिज़ोना के बीच में स्थित सबसे गर्म इलाके वाला भूभाग है, तो वहीं नॉर्थ और साउथ का ये मौसम आपको काफी आश्चर्यजनक लग रहा होगा। भला एक रेगिस्तान का ऐसा मौसम होना आपके लिए संभव नहीं, लेकिन यहाँ दृश्य जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है वो सच है। एरिज़ोना के सोनोरन रेगिस्तान के नॉर्थ में
ग्रैंड कैनियन, सेडोना और पायसन भाग पर बर्फबारी एक आम बात है। तो वहीं सोनोरन रेगिस्तान के साउथ में टुक्सन में बर्फबारी का दृश्य काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। नॉर्थ अमेरिका का यह राज्य अपने अनेकों मौसमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बर्फबारी दिसंबर से शुरू होकर मार्च तक चलती है, लेकिन इस बर्फबारी के बीच सोनोरन रेगिस्तान अपने सूखे मौसम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एरिज़ोना में बर्फबारी कैक्टस के पेड़ों को अपनी सफेद चादर से ढक देती है, तो वहीं इस बर्फबारी से छोटी छोटी झाड़ियाँ भी कुछ समय के लिए मुरझा जाती हैं। इसीलिए एरिज़ोना अमेरिका का सबसे यूनिक प्लेस है, जो अपने खूबसूरत वेदर और लव बर्ड के लिए फेमस है। उत्तरी अमेरिका से 13,000 किलोमीटर दूर एशिया के दक्षिण भाग पर स्थित श्रीलंका, जहां रोजी फेस्ड लव बर्ड जैसी ही एक खूबसूरत तोते की प्रजाति पाई जाती है, जो एशिया के जंगलों में आसानी से दिख जाता है। ये है छोटा सा क्यूट सा दिखने वाला हमिंग पैरट, जो श्रीलंका से लेकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड के हरे भरे जंगलों में पाए जाते हैं, जहां छोटे जंगली फल काफी मात्रा में होते हैं। लेकिन इन छोटे तोतों को सबसे ज्यादा पसंद होता है फूलों का मीठा रस। इन तोतों की चोंच रोजी फेस्ड लव बर्ड्स की तुलना में काफी छोटी होती है, जिसके कारण ये तोते फूलों के रस को आसानी से पी लेते हैं। जरा देखिए तो ये क्यूट सा तोता कैसे सभी फूलों को अपनी चोंच से पकड़कर चेक कर रहा है। इन तोतों के लिए यहाँ फूल ही नहीं बल्कि फल भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। हैंगिंग पैरट्स के लिए श्रीलंका किसी स्वर्ग से कम नहीं होता, क्योंकि श्रीलंका का अधिकतर भाग हरे जंगलों से कवर है। हैंगिंग पैरट्स में फीमेल के सिर के ऊपर हल्का नीला रंग देखा जा सकता है, वहीं नर के सिर के ऊपर लाल रंग देखा जा सकता है। ये तोते घोंसला बनाते समय बड़ी सावधानी से पेड़ के होल्स को चेक करते हैं और चारों ओर देखते हैं कि क्या ये घोंसला किसी दूसरे पक्षी का तो नहीं। और इन तोतों का घोंसला देखने का तरीका है अपने सिर को बार बार अंदर बाहर करके चेक करना। इन तोतों का घोंसला देखने का स्टाइल आपको काफी ज्यादा फनी लग रहा होगा। और ये घोंसला चुनते समय इन तोतों के बीच तूतू मैमे भी होती रहती है, लेकिन इन तोतों के नाम में ही छुपी है इनकी खूबियाँ। दरअसल ये तोते अधिकतर पेड़ों में लटकते हुए ही देखे जा सकते हैं, जिस कारण इनका नाम हैंगिंग पैरट रखा गया है। म्यांमार में पाए जाने वाले हैंगिंग पैरट थोड़ा सा अलग होते हैं। उनकी आँख का कलर पैटर्न अलग होता है, जिसके कारण इनकी पहचान काफी आसान हो जाती है। लेकिन एशिया महाद्वीप में स्थित भारत देश भी इन छोटे और क्यूट से दिखने वाले तोतों का घर है। भारत में हैंगिंग पैरट ना तो फल खाते हुए और ना ही फूल खाते हुए ये अधिकतर दिखाई देते हैं तो सिर्फ पर्ल मिलेट के खेतों पर। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये खूबसूरत और लहराते मिलेट के खेत जो काफी आकर्षक लग रहे हैं। इन खेतों में लहराती ये फसल सिर्फ यहाँ के लोगों का ही नहीं बल्कि यहाँ कई जंगली पक्षियों का भी पेट भरती है। या फिर यूँ कहें कि जब फसल पकने को होती है तो यहाँ के पक्षियों का 85% भोजन इन मिलेट की फसल से ही प्राप्त होता है। मिलेट के इन बड़े बड़े खेतों की तरफ हैंगिंग पैरट भी खींचे चले आते हैं। हैंगिंग पैरट्स एशिया के सबसे छोटे तोतों में से एक हैं, और इन तोतों को पालतू पक्षियों के रूप में भी बहुत कम देखा जाता है। मिलेट भारत की प्रमुख फसलों में से एक है, जिसे बाजरा के नाम से जाना जाता है, और बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक भारत में ही होता है। हैंगिंग पैरट्स के लिए बाजरा प्रोटीन, आयरन, फाइबर और कैल्शियम की कमी को दूर करता है, जिस वजह से ये तोते अधिक स्वस्थ और फुर्तीले रहते हैं। लेकिन सभी फसल कटते ही हैंगिंग पैरट
और दूसरे पक्षी यहाँ से उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बाजरा के बजाय जंगली फल अधिक मात्रा में मिल सके। और अगर ये फल मौजूद ना हो तो उनके पास सिर्फ पेड़ की पत्तियों को खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इन तोतों को इनके हाल पर छोड़ने का। मैं काजल शर्मा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वर्ल्ड एक्सप्लोर वाइल्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।